ईएनबी अवार्ड्स में यूपी तक की धूम, बेस्ट इलेक्शन कवरेज और बेस्ट रीजनल वेबसाइट के जीते अवार्ड, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शायर राहत इंदौरी के शायरी की एक लाइन है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी ही है, हिंसा हो, उपद्रव हो या फिर उस हिंसा में जलने वाले मकान हो या दुकान, आखिरकार नतीजा वही होता है। सियासी रोटियां सेकी जाती है, बयानबाजी होता है, लेकिन जीवन को पटरी पर वापस लाने के जद्दोजहद तो इंसान को ही करनी पड़ती है। तस्वीरें दो है, एक तस्वीर में उमर फारूक की चूड़ियों की दुकान थी, दूसरी तस्वीर में हेमंत अग्रवाल और योगेश अग्रवाल की दुकानें हैं। इन जली हुई तस्वीरों की कहानी 2 अप्रैल की है, जब 9 संवत्सर पर हुए पथराव और आगजनी की घटना हुई थी। दंगों को धार्मिक रंग दिया गया था, जमकर सियासत हुई थी, मगर अब यहाँ के हालातों को देखने वाला कोई नहीं है। राजस्थान तक के स्थानीय संवाददाता गोपाल पाली ने दंगे की कहानी के 1 महीने बाद जायजा लिया उस जगह का, जिसे धार्मिक दंगों के नाम पर जलाया गया था। राजस्थान के करौली में 2 अप्रैल को नवसंवत्सर के अवसर पर शोभा यात्रा पर हुए फतराव के बाद हुई आगजनी और तोड़फोड़ की घटना से शहर में जहां अफरा तफरी मची कर्फ्यू रहा था करीब 17 दिन। 17 दिन के बाद करौली में आपसी भाईचारा स्वार्थ वापस लौटा, शहर खुल गया है, लेकिन जिनकी दुकानें जली, तोड़फोड़ हुई, जिनका रोजगार छिना, आज भी उन्हें आर्थिक स्थिति से महरूम होना पड़ रहा है, रोजी रोटी के लिए परेशानी हो रही है। कुछ दुकानदार हमारे पास इस समय मौजूद हैं, उनमें से है एक उमर फारूक से बात करेंगे हम। एक करीब 1 महीना हो चुका है हम बेरोजगार बैठे हुए, हमारे पास खाने को पैसा नहीं है, खाने को भी पैसा नहीं है। हम हमारे चाचा के जाकर पर रह रहे हैं, वहाँ पर खाना खा रहे हैं, हमारे छोटे छोटे भाई बच्चे पैसे मांग रहे हैं, उनको पैसे कहाँ से ला के दे। हमारे में इस दुकान से हमारा कारोबार चलता था सारा। आप क्या दुकान का काम चला रहे हो? हाँ, हमारा कैसे दुकान शुरू करोगे, क्या करोगे? अब हमारे लिए इस दुकान से ही हमारे बच्चे पालते थे, हमारे शिक्षा उनकी होती हुई, और काफ़ी समय से हम 1 महीने से परेशान हैं, कुछ भी धंधा नहीं है हमारे पास, ये सिर्फ एक धंधा था। हमारे दुकान बनने के लिए पैसा चाहिए। उमर फारूक की दुकान का इस समय आप देख सकते हैं काम चल रहा है, शादियों का समय है, वो वापस अपनी दुकान को खोलने के लिए प्रयास कर रहे हैं, मजदूर दुकान को सही कर रहे हैं। दूसरे दुकानदार भी हमारे पास हैं, जावेद, जो चूड़ी का व्यवसाय करते थे, इनका मकान भी इस दुकान के ऊपर था। जावेद से जानेंगे कि वो आप परिवार के कैसे गुजारा कर रहे हैं, किस प्रकार से अपने भरण पोषण कर रहे हैं। हमारा कुछ पहले मकान है, इसमें हमारी छेपड़ी निकल चुकी है, तो हमारी यूपी पिछड़े घर का मकान है, पूरा हमें माल भरा हुआ था, पूरा हम इसमें रहते थे, अब बड़े भाई के मकान पर रह रहे हैं। 1 महीना हो गया है भागा दौड़ी करते रहते हैं, आज की स्थिति इसका बहुत कमजोर है, रोजी रोटी का संसाधन नहीं है। गृह सचिव विभाग की ओर से आर्थिक सहायता मिली है, कितनी मिली? मात्र 1 करोड़ रुपये की बिल्डिंग है, 1.5 लाख रुपये मिला मात्र, और कुछ नहीं मिला। और बहुत क्या क्या उम्मीद रखते हैं? अभी करेंगे सारा, ये ब्याज तो वैसे लेंगे, सुनना नहीं पड़ा हुआ है, 15% खाने वाले हैं घर में, बहुत परेशानी, बहुत ज़्यादा परेशान है, अब आपको क्या आता है, धंधे का टाइम है, अब कुछ भी नहीं है हमारे पास, जॉइंट फैमिली है, 15% खाने वाले हैं। उमर और जावेद का कहना है कि परिवार बड़ा है, परिवार की आर्थिक स्थिति जिस दिन से ये घटना घटी है खराब हुई है, क्योंकि रोजी रोटी का साधन एक दुकान थी, इस समय शादियों का समय चल रहे हैं, तो चूड़ियों की व्यवसाय इनका था, वो यहाँ चलता था। ये हाल किसी एक समुदाय विशेष का नहीं है, 2 अप्रैल के इस आगजनी और पत्थरबाजी में नुकसान दोनों ही समुदायों की हुई थी। तांबे की टोरी में हेमंत अग्रवाल और योगेश अग्रवाल की दुकानें उपद्रवियों ने पूरी तरह जला दी थी, उसके बाद दोनों परिवार पूरी तरह टूट गए। अब हेमंत अग्रवाल ने सामने एक छोटी दुकान लेकर फिर से परचून की दुकान शुरू की है, जिस पर उनके पिता सुरेश अग्रवाल भी बैठते हैं। यह दुकान 26 अप्रैल को फिर से शुरू की गई। उनका कहना है कि पुरानी दुकानदारी वापस लौटने में समय लग सकता है, लेकिन जीव को उपार्जन के लिए दुकान शुरू करना आवश्यक है। दुकान चल रही थी, अब वापस कैसे रोजगार? जी अब वापस तो क्या है सर, अब वो तो जो कुछ था वो तो सब खत्म हो गया। अभी मैंने सामने एक छोटी सी दुकान किराए पर ली है, और उसमें मैं छोटा मोटा टॉफी, चॉकलेट, बिस्किट वगैरह रख के अपना गुजारा करना चाह रहा हूँ,
अब देखो आगे क्या होता है, मेरी दुकान वापस उसी तरह जमती है, चलती है या नहीं चलती है, अब देखेंगे आगे क्या होगा। 2 अप्रैल के बाद अब तक परिवार का भरण पोषण खान पीन कहाँ कर रहे थे, कहाँ रह रहे थे? नहीं सर कुछ नहीं, वो तो सब कुछ सर अब तक तो हमारे यहाँ रिश्तेदारों के यहाँ से जो भी कुछ आ रहा था खाने पीने का सामान, तो उनके जरिए उनका हमारा काम चल रहा था। गवर्नमेंट की तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं, जो गवर्नमेंट की सूची कल जो लिस्ट जारी हुई है मुआवजे की, उसमें 4 लाख रुपये मेरे लिए स्वीकृत हुए हैं और जो अपन के योगेश अग्रवाल हैं उनको 6 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं। तो क्या योगेश ने अपनी दुकान फिर से शुरू करने की सोची है? नहीं सर अभी तो उनका तो कोई इरादा ही नहीं है, क्योंकि मुआवजे के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम है, क्योंकि इसको बनवाने के लिए कम से कम 15-20 लाख रुपये चाहिए। 6 लाख रुपये। हेमंत अग्रवाल का कहना है कि अभी जो राशि सरकार से स्वीकृत हुई है उससे दुकान बन नहीं सकती, फिर से शुरू नहीं सकती। बाज़ार में उधारी है, थोक का काम करते थे, बड़ा उधार है। ये जो सामने दुकान है ये योगेश अग्रवाल की है, योगेश अग्रवाल की दुकान पूरी तरह जल चुकी थी। योगेश अभी फिर से दुकान शुरू करने की स्थिति में नहीं है। यहाँ हेमंत की जो दुकानें हैं वो सामने वो भी जली हुई हैं, लेकिन हेमंत ने एक सामने छोटी सी दुकान ले ली है, फिर से अपना रोजगार शुरू किया है। दंगे के भीड़ का ना कोई चेहरा होता है, न जाति न समुदाय, इन तस्वीरों में यही दिख भी रहा है। राजस्थान तक की ऐसे लोगों से अपील है कि दंगों की भीड़ बनने से अच्छा है कि मानवता की वो मिसाल बने जिसकी आज यहाँ जरूरत है। राजनीतिक पार्टियाँ ऐसे दंगों पर सिर्फ अपनी सियासी रोटियाँ सेकती है, बयानबाजियाँ करती है, लेकिन अंत में होता क्या है वो इस तस्वीर में है। राजस्थान तक के लिए करौली से गोपाल माली की रिपोर्ट।